सन 1520 तक मराठा सांगा की क्रांति दूर दूर तक फैल गई थी और इसमें उनकी दूरदर्शिता और कूटनीति का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने राजपूतों की शक्ति को संगठित करने के लिए वैवाहिक संबंधों को वरीयता दी। स्वयं उन्होंने 28 विवाह किए और 27 राजपूत राजाओं की न केवल मित्रता पाई बल्कि उनकी सैन्य शक्ति का भी प्रयोग मेवाड़ के हित में किया। मेड़ता के राजा विरमदेव के छोटे भाई राव रतन सिंह की पुत्री मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इस प्रकार महाराणा सांगा ने व्यक्तिगत संबंधों को भी मेवाड़ की प्रगति के लिए स्थान दिया। उनके मित्र और संबंधी राजपूत राजा उनका गुणगान करते न थकते थे। मेवाड़ के भाट और चारणों ने तो महाराणा सांगा की प्रशंसा में काव्य तक रच डाले थे जिन्हें वह किसी भी दरबार में जाकर सुनाते और पुरस्कार पाते थे। ऐसे ही एक बार भाट महाराणा की प्रशंसा करता हुआ इस प्रज्ञे से उस प्रज्ञे घूम रहा था। यही भाट एक दिन गुजरात में अहमदाबाद पहुंच गया जहां सुल्तान मुजफ्फर शाह का दरबार सजा हुआ था। भाट ने इनाम की अपेक्षा में अपना सराहनीय काव्य सुना दिया जो महाराणा सांगा की वीरता और दयालुता की प्रशंसा में रचा गया था। इस प्रशंसा पद को सुनकर सुल्तान मुजफ्फर शाह क्रोध से भाट को देखने लगा जो भय से सहम गया था। उसी दरबार में सुल्तान का नया हाकिम मलिक हुसैन बहमनी बैठा था जो गुजरात भर में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने सुल्तान की तनी भरकुटी देखी तो भाट को फटकारने लगा, बदमल भाट तेरी हिम्मत कैसे हुई सुल्तान के दरबार में दुश्मन की तारीफ करने की, उस अपाहिज और एक आंख वाले राणा की जिसे हमारा एक सिप्ती भी धूल चटा दे। अरे अगर वह इतना ही बहादुर है तो अपने मेवाड़ की रक्षा करके दिखाए। अपने उस अपाहिज राजा से कह दे कि मलिक हुसैन बहमनी अब सुल्तान का हाकिम है और जल्द ही मेवाड़ गुजरात वालों का होगा। मलिक हुसैन बहमनी की यह बात सुनकर भाट की त्योरी तो चढ़ी लेकिन वह महाराणा सांगा तक इस बात को पहुंचाना चाहता था। अतः उसने क्रोध पर काबू रखा और वहां से चित्तौड़ लौटाया। उसने चुनौती को दोहराया, महाराणा सांगा का क्रोध उबल आया और अभद्र बहमनी की भुजाओं का बल मापने की इच्छा से राजपूत सेना गुजरात की ओर मोड़ दी। जब मुजफ्फर शाह को पता चला कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में विशाल राजपूत सेना मलिक हुसैन बहमनी पर आक्रमण करने आ रही है तो वह चिंतित हो उठा। उसने अपनी सेना तो बहमनी की मदद के लिए भेज दी लेकिन स्वयं रणभूमि में जाने के नाम पर हिचक गया। उसे महाराणा सांगा से एक ही भय था कि कहीं वह उसे भी बंदी बनाकर मालवा के सुल्तान की तरह विवश न कर दे। यह सोचकर मुजफ्फर शाह एकांत में चला गया। इधर क्रोध में भरे महाराणा सांगा अपने 40,000 राजपूत सैनिकों के साथ बागड़ा पहुंचे जहां उनका साथ देने के लिए डूंगरपुर के रावल सिंह, जोधपुर के राव गंगा और मेड़ता के राव विरमदेव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ पहुंचे थे। महाराणा सांगा को पता चला कि बहमनी के नेतृत्व में तुर्क सेना ने इडर को घेर लिया है तो वह बागड़ से इडर की ओर चल पड़े। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया और बहमनी युद्ध के मैदान से भाग छुटा। वह अहमदनगर के किले में जाकर छुप गया। महाराणा सांगा ने पहले तो इडर को पूर्णतया सुरक्षित किया और रायमल को सांत्वना दी कि वह तनिक भी न घबराए। इसके बाद उन्होंने बहमनी का पीछा किया। जब महाराणा सांगा ने अहमदनगर के किले को घेर लिया तो बहमनी चिंतित हो उठा। उसकी इस घबराहट को देखकर अहमदनगर के हाकिम ने उसे ढाढ़स बताया, घबराइए मत हुजूर, यहाँ आप महफूज है। राजपूत कितने भी बहादुर हो लेकिन किलों में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ का फाटक इतना मजबूत है इसे तोड़ना मुश्किल है। बहमनी को विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन और उपाय भी क्या था। उधर महाराणा सांगा ने किले की मजबूती को परखा तो मानना पड़ा कि वह अभेद और सुरक्षित किला था। किले के फाटक की अतिरिक्त सुरक्षा से उसे तोड़ना और भी कठिन कार्य था। पूरा दिन युक्ति सोचने में ही व्यतीत हो गया। उस रात बहमनी को लगा कि उसने एक सुरक्षित जगह शरण पाई है। राजपूती सेना कितने दिन किले का घेरा डाल पाएगी, आखिर एक दिन तो उसे यहाँ से लौटना पड़ेगा। महाराणा सांगा भी इसी बात पर विचार कर रहे थे। यह कठिन समस्या है, बहमनी को छोड़ना हमें स्वीकार नहीं और किले को तोड़ना आसान नहीं लग रहा है। इस प्रकार कब तक घेरा डाले रहेंगे। लेकिन राजपूतों ने बड़ी दृढ़ता के साथ रात भर के युद्ध में ही किले के फाटक को जला डाला। राजपूती सेना किले में घुस गई और भीषण युद्ध छिड़ गया। बहमनी ने वीरता से राजपूत सैनिकों का सामना किया और मारा गया। अहमदनगर राजपूतों के अधीन हो गया। इसके बाद विजयी सेना ने
बड़नगर का घेरा डाला। लेकिन महाराणा सांगा को ज्ञात हुआ कि वहां ब्राह्मण अधिक थे, तो वे आगे बढ़ चले। उन्होंने आगे बिसल नगर पर धावा बोल दिया और उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा सांगा ने गुजरात के बहुत से किलों को इसी अभियान में अपने अधीन कर लिया था और इन विजयों से उन्हें बहुत सारी धन दौलत की प्राप्ति हुई। मेवाड़ लौटने पर गुजरात विजय का भव्य उत्सव मनाया गया। दोस्तों, मेवाड़ के श्री महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 20वां भाग आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।